नमस्कार, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। लो जी, मैं आ गया हूँ ओमान से इंडिया और आज मैं अपने घर पे हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो कि दिवाली है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिवाली विश करना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। और देखिए, मेरा होम टाउन का घर है। और देखिए, ये मेरा कच्चा घर है, सामने दिख रहा होगा। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई ओमान तक के लिए। और ये देखिए, देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरे घरों की कलर हो गया है, बढ़िया अच्छा अच्छा कलर कर दिया है। ये देखो, हमारा पहला घर है जिसमें हमारा पहले हम लोग रहा करते थे, और ये हमारा दूसरा घर है जो नया है होम टाउन में। और यहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं। और सामने हमारा है मंदिर, ये देखिए सामने हमारा मंदिर है। और देखिए, ये हमारी तुलसी माता है जो यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे देखिए, आपको पता है तुलसी जो होती है बहुत ही अच्छा पेड़ होता है, शुभ भी माना जाता है, प्लस बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए सहायक होती है। और देखिए, यहाँ पे पुताई चल रही है, हमारे भीकम पुताई कर रहे हैं। देखो अभी पुताई चल रही है, थोड़ा थोड़ा रह गया था, ये तो सोचा पुताई कर लें हम लोग। और अभी हम लोग नीचे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चल रहा है हमारे घर में। ये देखिए, नीचे का पोर्शन है हमारा, ये देखो, ये नीचे का पोर्शन है पूरा। और ये बाहर का, ये देखो यहाँ पे पूरा ये नया कंस्ट्रक्शन है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है, मेरे अंकल का है। और ये देखो, ये प्यारी रश्मि है, कितनी व्यस्त है पुताई में। रश्मि से हेलो, से हेलो। इसके बाद अभी हम चलेंगे अंदर। देखो, ये मेरा कच्चा घर है। ये देखो, हमारी मुन्नी है, मुन्नी। और हमारे यहाँ पे दरगाह है जो हमारे पूर्वजों के टाइम से चली आ रही, तो हम लोग इसको भी डेकोरेट कर रखे हैं। अभी देखिए, इसमें पुताई हुई है पूरी। और देखिए, यहाँ पे जितना हम लोग अपने जो हमारे देवता वगैरह हैं उन लोगों को पूजते हैं, उतना उनसे ज़्यादा हम लोग इनको भी उतना ही करते हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं, आप तो हिंदू हो लेकिन आपके यहाँ दरगाह कैसे? तो ये तो हमारे भाई पुराने टाइम से चली आ रही है, तो हम लोग करते हैं इसको, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उनकी कृपा से देखिए, हमारे यहाँ बहुत तरक्की हो रही है और तरक्की कर रहे हैं हम लोग। और देखिए, पहले हम लोग इस घर में रहा करते थे, और अभी तो ये घर यहाँ पे हमारी मुन्नी रहती है, और हम लोग कच्चे घर से पक्के घर में शिफ्ट हो गए हैं। पहले के टाइम पे देखिए, खपरेल होते हैं, इनको खपरा बोलते हैं, और इसको हम लोग छा देते हैं। और इसके बाद देखिए, पानी के लिए यहाँ पे बे होता है पूरा, यहाँ पे पूरा बे होता है, तो यहाँ से जब पानी बारिश होती है तो वहाँ से सीधा पानी नीचे आता है। और यहाँ पे अंदर देखिए, लकड़ी का होता है पूरा, ये दिखाई दे रहा होगा। अभी तो फ़िलहाल में वर्किंग नहीं है, अभी इसको
कंस्ट्रक्शन करना है, न्यू कंस्ट्रक्शन होगा इसका, तो इसलिए अभी इसको ऐसे छोड़ रखे हम लोग। देखो तो गांव में तो भाई ऐसे ही होता है, देखो हमारे यहाँ भूसा भी है, देखिए यहाँ पे हमारी मुन्नी खाती है इसको। और ये भूसा का घर हर विलेज में आप जहाँ भी जाओगे हर एक आदमी के यहाँ एक भूसा का घर जरूर रहेगा जिनके पास जानवर हैं। तो और गांव में गांव की एक खासियत होती है कि यहाँ पे एनिमल्स जरूर होते हैं, सब लोग एक एनिमल एटलीस्ट जरूर रखते हैं, सब चीज़ देसी होता है भाई। हमारे यहाँ विदेशी चल रहा है सब, दूध भी देसी यहाँ से मिल जाता है। देखो ये देखो हमारे यहाँ साइकिल, और ये हमारी गाड़ी है, एक ही गाड़ी है, एक हमारा चेतक खड़ा हुआ है, चेतक दिखाते हैं हम आपको, रुको। और ये देखो पहले के टाइम पे ना चकिया बोलते थे इसको, इससे आटा बेसन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई करता नहीं है फिलहाल में, लेकिन मेरी मम्मी करती है इसको। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो मैं गांव में आ गया हूँ, ओमान से इंडिया में आ गया हूँ, और आने वाले वीडियो में आप हमारे गांव के इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, और हमारे जिन लोगों ने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए जिससे कि हम आने वाले वीडियो में अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक शेयर कर सकें। गांव में तो हम लोग, मैं तो गांव से यहाँ से बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके अपना यहाँ तक ओमान तक पहुँचा है, और जिन लोगों ने हमारे ओमान के वीडियो भी नहीं देखे हुए वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। और मैं बता दूंगा और भी वीडियो जो है, और वंस अगेन हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड प्रॉस्पर दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु श्री राम आप लोगों के जीवन में खुशहाली रहें। ये देखो गोबर हो रहा है, देखो गोबर, देखो ये देखो यहाँ पे गोबर हो रहा है, शुद्ध गोबर होता है। गांव में यही सब चीजें अच्छी मिलती हैं, शहर में थोड़ी नहीं मिलेगा। देखो ये मेरा कच्चा घर है, चलिए वहां चलते हैं। और देखिए तो ऐसे रहता है यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से। और देखो ऊपर मैं एक गेस्ट से भी मिलवाऊंगा, एक हमारी गेस्ट यहाँ पे आई हुई है, तो अभी नहीं मिलवाऊंगा, बाद में मिलवाऊंगा। ठीक है, और अभी तो फिलहाल दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, तो हाँ दिवाली की तैयारी चल रही है यहाँ पे, और गुजिया, बहुत सारी स्वीट्स, पापड़ी, दही बड़ा, बहुत सारी चीज़ बनेंगी अभी और बन रही हैं। और आज तो लक्ष्मी पूजा है, उसका मुहूर्त 7:39 पे है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से मनाएंगे। देखिए एक मेरा ये रूम है पूरा, यहाँ पे सोफे पड़े हुए हैं हमारे, सोफे पड़े हुए हैं यहाँ पे। चलिए मैं अपना रूम दिखाता हूँ अभी आप आपको। ऐसे ही होता है, देखो यहाँ से कितना अच्छा लगता है जब आप किसी छोटे से गांव से निकल के आप विदेश में पहुंच जाते हैं, तो कैसे लगता है। देखिए यहाँ पे
ये देखिए मेरा रूम है, और ये हमारी फेवरेट टीवी है, ठीक है। और ये देखो आपको JBL का जो पोर्टेबल स्पीकर दिख रहा है ना, वो भी हमने उसका भी एक वीडियो शूट किया था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा देखिए एडिटिंग एसेसरीज है सारी, लैपटॉप टैब, ठीक है, सारे एसेसरीज हैं, मैं यहाँ पे संभाल के रखा हूँ, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो गांव में तो भाई टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत काम होता है। शहर में तो क्या सुबह काम किया अपना ऑफिस निकल गया, यहाँ तो बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि जब से मैं वहाँ से आया हूँ बिल्कुल फ्री हूँ। और ये देखिए, ये आप देख रहे हो ऊपर फोटोज है हमारी, टीवी है, ये देखो, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को मैं लाता रहूँगा। थैंक यू, हैप्पी दिवाली, जय हिंद, बाय बाय।